2023 में अगर आप एप्लीकेशन करने उतर रहे हो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग जब आप करने उतरोगे, आपको देखोगे कि आप दो किस्म की यूनिवर्सिटीज होती है जर्मनी में। एक होती है होकशुलिस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अप्लाइड साइंसेस, दूसरी होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज या सिर्फ यूनिवर्सिटीज। होकशुलिस होता क्या है? होकशुले में तीन पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज द करिकुलम ऑफ होकशुले इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। सेकंड पॉइंट इज इट हैज 120 ECTS एंड 90 ECTS व्हिच मींस द क्रेडिट्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज If you want to learn the practical knowledge, then you should prefer Hochschule. Hochschule में जो machines होती है, कभी कभी जब आप देखोगे अपने campus पे, वो एक state of the art facilities होती है। और आप कभी कभी real projects पे भी काम करते हो जो industry में चल रहे हैं। आपके professors आपको वो अपने class में ले आते हैं। जो technical universities होती है उनकी emphasis थोड़े ज्यादा academics पे होते हैं। सेल्फ स्टडी खुद से ज्यादा करना पड़ता है आपको। आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो मोस्टली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो लोग फिर आगे चल के PhD करने का भी सोचते हैं। एक पॉइंट पे एम्फेसिस करना चाहता हूँ, आप भले होकशुले में पढ़ो या टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ो, ग्रेजुएट आप कहीं से भी होगे, नौकरी आपको आपके स्किल पे ही मिलेगी। कौन से यूनिवर्सिटी टाइप में गए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, टेक्निकल स्किल्स हो गए या सॉफ्ट स्किल्स हो गए, ये दोनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। और ऑफकोर्स जर्मन लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए होगी। पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।